इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पद्मश्री और स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी निर्मल सिंह भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। गुरबानी वाचक निर्मल सिंह हाल ही में विदेश से लौटे थे। 30 मार्च को कोरोना का लक्षण दिखने के बाद उन्हें अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निर्मल सिंह के घर के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ 19 मार्च को चंडीगढ़ के एक घर में कीर्तन भी किया था। निर्मल सिंह की दो बेटियां, बेटा, पत्नी, एक ड्राइवर और उनके संपर्क में आने वाले 6 अन्य लोगों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। उन सभी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और हमारे सहयोगी विशाल अंग्रेज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, और क्या ज्यादा जानकारी है इस खबर पर? निर्मल सिंह कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटे थे और यही कारण था कि उन्होंने चंडीगढ़ में एक घर में कीर्तन भी किया था। और क्योंकि 30 मार्च को उन्होंने सांस फूलने की शिकायत की थी, चक्कर आने की शिकायत की थी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन वहीं पर उनके 6 घर के 6 अलग अलग सदस्यों को भी आइसोलेशन में रखा गया था। इससे पहले भी निर्मल सिंह को भी आइसोलेशन में ही रखा गया था, लेकिन क्योंकि श्री स्वर्ण मंदिर साहिब के वो हजूरी रागी हैं और इसीलिए लोगों के घरों में उनका आना जाना लगा ही रहता था। और फिलहाल ही उन्होंने चंडीगढ़ में एक घर में कीर्तन भी किया था और इसके बाद प्रशासन में भी हड़कंप भी मचा हुआ है और लगातार ही उनसे संपर्क करने वालों लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है कि कौन कौन से लोग थे जो उनके संपर्क में आए थे। फिलहाल उनका अभी उपचार चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस जानकारी के लिए।